चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की बात करने वाले हैं। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, स्किप ना करें। जैसे तो आप इस अखबार की कटिंग में देख सकते हैं कि 15 जुलाई तक विश्वविद्यालय और कॉलेज बंद रहने वाले हैं। 16 जुलाई को रविवार है, तो ऐसे में विश्वविद्यालय 16 जुलाई तक बंद रहेगा, क्योंकि कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में 10 से 15 जुलाई तक विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज और कोचिंग सेंटर पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो ऐसे में छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, क्योंकि यहां पर बीएड की काउंसलिंग भी 10 से शुरू हो रही है। तो ऐसे में छात्र छात्राएं परेशान हो जाएंगे कि उनका रिजल्ट जो है 15 में जैसा कि जारी हो सकता था तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में अब बात करते हैं कि रिजल्ट्स कब जारी होगा। तो आपको बता दूं कि रिजल्ट्स जो है जुलाई के 3rd वीक में जारी हो सकता है या फिर अगस्त के 1st वीक में भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर कुछ ओएमआर की भी जारी नहीं की गई है। जब तक कि ओएमआर की जारी नहीं की जाएगी तो तब तक रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा। तो ऐसे में छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं कि जल्द से जल्द उनके रिजल्ट को जारी किया जाए ताकि वो आगे पीजी में भी रजिस्ट्रेशन करा सके, क्योंकि यहां पर विज्ञप्ति के द्वारा बताया गया था कि पीजी का रजिस्ट्रेशन जो है 15 जुलाई से शुरू करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर छात्र छात्राओं को समस्या होगी कि उनके पीजी में रजिस्ट्रेशन कैसे होगे, जब रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो ऐसे में छात्र छात्राओं की बीएड की काउंसलिंग भी कैसे होगी जब रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अब जैसा कि इन्हीं दोनों कांवड़ यात्रा को देखते हुए और साथ में रिजल्ट्स देरी होने की वजह से देखते हुए अब बात करते हैं कि रिजल्ट्स अनुमानित जो है आपका जुलाई के 3rd वीक में या फिर अगस्त के 1st वीक में जारी किया जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट्स से अपडेट कोई भी लाटेस्ट अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले, उसके साथ साथ टेलीग्राम फेसबुक इंस्टा आदि को भी फॉलो कर ले। तो मिलते हैं लाटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।